टू माय न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो और सब कुछ सही चल रहा है। तो कल के जैसा आज फिर से मेरा गुड मॉर्निंग हुआ किचन में और आज के ब्रेकफास्ट में बन रहा है डोसा। तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, पर क्योंकि लवेश अथर दोनों सो रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अपना काम खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद ये दोनों उठेंगे तो मैं ब्रेकफास्ट बना दूंगी इनके लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने सांभर वगैरह और डोसा का सब कुछ तैयार करके रखे गई थी। तो अब मैं फटाफट बना रही हूँ और इनको सर्व कर लूंगी। सांभर मेरा बन चुका है और ट्रस्ट मी गाइस, आज मेरा सांभर बहुत अच्छा बना है। सो होपफुली लवेश को और अथर को दोनों को अच्छा लगे और डोसा भी मेरा सही बन रहा है। तो मैंने डोसा का बैटर तैयार कर दिया था सुबह और आलू भी तैयार करके रख के और मैंने सांभर भी बना लिया है। तो मैंने फटाफट सब कुछ कर लिया था। तो अब देती हूँ इन लोगों को ब्रेकफास्ट, मैं खुद भी ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सफाई वफाई करके आई हूँ। तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब लग रहा है मैं फटाफट एक कप चाय पीऊँ इन लोगों को खिला के बस। तो देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको मेरा डोसा। तो ये देखो डोसा बना है बहुत अच्छा और ये मेरा सांभर आज बहुत ही बढ़िया बना है सांभर। तो आई एम नॉट श्योर अथर्व खाएगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ अथर्व को लेके। चलो देखते हैं। हे भगवान, पापा मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? देखो आके अथर्व ने क्या किया है। बुला पापा को। अंदर ये देखो क्या किया इसने। ये अथर्व के बैटमैन वाले स्लीपर्स थे जिसमें पूरा प्रॉपर बैटमैन बना हुआ था और इसने देखो पूरा इसको पेंट कर दिया। ये ब्लैक बैटमैन वाला स्लीपर्स था, ये रहा बैटमैन। अथर्व इतना अच्छा स्लीपर्स, यार अथर्व क्या कर दिया आपने? और ये गंदा सा कलर क्यों किया आपने? ये तो पहन भी नहीं पाओगे अभी। नहीं सूख जाएगा। तो सूखने के बाद पहनोगे? बताओ। न्यू स्लीपर करूंगा। न्यू स्लीपर नहीं, वो ये करूंगा। ये बहुत अच्छा कलर है। बेड को गंदा करके, सब कुछ गंदा करके फैला के क्या कर रहे हो आप बेड के अथर? मजा। अरे जो जो कट करके बोल था तो सोचा भाई ट्रिक मैं तो करा भाई ट्रिक पे तो न्यू माल करा भाई। हाँ। आज स्लीपर के दिन है। किसी चीज को छोड़ते नहीं हो यार, हर चीज को। बोल रही थी कि मुझे इस कलर से मैं बोर हो गई, मुझे दूसरा कलर। स्लीपर ने बोला ये चीज आपको? हाँ। ए, स्लीपर क्या तुमने बोला ये देखो भाई, ये देखो इस बच्चे ने अपना सारा टॉयज कलर कर चुका है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टॉय उसने कलर कर लिया है और लैम्बोर्गिनी भी कलर करी हुई है। हाँ, सारे टॉय सारे कार्स कलर कर दिया और अब देखो अपने स्लीपर्स को कलर कर रहा है। अच्छी बात तो है। मुझे लगा कि अथर बैठ के खेल रहा, कुछ और कर रहा है या टीवी देख रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है। हाँ। लाइट हो गया? नहीं साइड साइड के ये वाइट वाइट रही है। उसको भी कटोगे? और अगर नीचे मैट में लगा तो? मैट में चॉप साफ करने। नहीं साफ नहीं होगा अथर, ये अभी अभी वॉश किया है मम्मा ने, प्लीज इसको गंदा मत करो। इसके ऊपर मत करो, नीचे फ्लोर पे कर लो ताकि मम्मा पोछा लगा लेगी, ठीक है? व्हाट? तो उसको लेट इट गेट ड्राई, अभी उसको टच मत करो। चलो मम्मा टीवी देखेगी। तो गाइस आज है संडे और आज कुछ अच्छा सा बनाने का मन था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक न्यू मतलब इन्वेंशन करे हम। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं सोया का मंचूरियन बनाऊंगी।
तो उसको बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स निकाला है अपने फ्रिज में से। तो मेरे पास है एक गाजर, मतलब थोड़ा सा गाजर और प्याज, लहसुन, कैप्सिकम और बीन्स, तो ये मुझे अपने फ्रिज में से मिल गया है। तो अब मैं फटाफट इनको कर लूंगी कट और उसके बाद का रेसिपी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलो फटाफट इनको कर लेते हैं कट। अब इसमें इस न्यूट्रेला को रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए और इसमें मैंने ऐड किया है सोया सॉस, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा गार्लिक और इसमें मैंने ऐड किया है धनिया की डंडियों को आप लोगों को छोटे छोटे से कट करके ऐड करना है क्योंकि उसको हमें हर्ब वाला टेस्ट देना है। और अब मिक्स करते हैं थोड़ा सा नमक, तो नमक मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको बॉईल होने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ दूंगी मैं। चलो इसको कवर कर देते हैं और बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखो ये बहुत ज्यादा जूसी बन चुका है। अब तो अब मैंने न्यूट्रेला में मिला दिया है थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने मिक्स कर दिया। सो ये देखो तो ये ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो चलो फटाफट कर लेते हैं फ्राई। तो अब आया वेजिटेबल्स फ्राई करने का टर्न। तो वेजिटेबल्स में मैंने डाल दिया अनियन और तड़के में डाला है मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने एक ही डाला है। तो आप कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स को फ्राई, मतलब फ्राई एज इन सौते करना है हमें, ठीक है। तो वेजिटेबल्स मेरे रेडी है, धो के वॉश करके मैंने रख दिया है। तो अब इनको थोड़ा सा भून जाए 1-2 मिनट्स के लिए, फिर मैं डाल दूंगी वेजिटेबल्स। तो मेरे वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट हो गए हैं सोते, तो अब मैं थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी और फिर वेट करूंगी मैं। तो वेजिस मेरे सोते हो गए हैं और आज अभी हम ग्रेवी में डालेंगे जो न्यूट्रेला को हमने स्क्वीज किया था उसका जो पानी था, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी सॉरी गाइस, मैं अथर्व को खिला भी रही हूँ साथ साथ में और मैं होमवर्क भी करा रही हूँ अथर्व को। तो इस बच्चे को देखो तो मैं अथर्व को खिला भी रही हूँ और साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ। तो इसमें ऑलरेडी सारे सॉस है तो मैं ज्यादा कुछ सॉस डालूंगी नहीं, बट थोड़ा सा मैं टोमेटो सॉस ऐड करूंगी इसमें। तो ग्रेवी को थिक करने के लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स को पानी में घोल के, ठीक है। तो अब सब कुछ बन चुका है, अब थोड़ी देर में इसको कवर करके छोड़ देती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा फाइनल लुक ऑफ द वेजीज है। ओ वाव ऑसम, मतलब खुशबू से किसी को भी भूख लग जाए यार, किसी को भी। या माय गॉड, और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। और मैंने टेस्ट करके देखा है क्योंकि मुझे नमक वगैरह टेस्ट करना था एंड बहुत ही यम लग रहा है, बहुत ही यम। तो ये देखो मेरा खाना है तैयार, मैंने बना लिया फ्राइड राइस और मंचूरियन। Thank you.
तो गाइस आज मैं बड़ी थक गई हूँ तो अतर बड़ी थक गई है बहुत तेज हो रहा है तो अतर थक गई है तो अब क्योंकि अतर थक गई है तो इसलिए हम अभी सोने के लिए जाएंगे साथ में थक गई है सुथा सारे थक गई है तो गाइस खाना बहुत अच्छा बना था मतलब अच्छा सा संडे हो गया अच्छा खाना बन गया और जनरली मेरा संडे मोस्टली किचन में ही जाता है अगर मैं घर पे होती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे संडे कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाने का तो एक चीज और मेरे फ्रेंड्स की मैंने इस रेसिपी को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि पिछले बार आप लोगों को अगर याद हो मैंने एक बनाना केक का रेसिपी डाला था और उसमें मैंने मतलब बहुत क्विक दिखाया था सब कुछ तो मेरी एक फ्रेंड है सोसाइटी में तो उसने मुझे बोला था कि यार बबली तूने रेसिपी ही नहीं दिखाया और तूने सारी चीज डिटेल में बताया ही नहीं एंड मैं तो वेट करती रह गई कि तू इसके बाद ये बताएगी तो इसलिए इस बार मैंने डिटेल में बताया सब कुछ ठीक है होपफुली आप लोग भी ये सब्जी ट्राई करना घर पे और आई एम सो श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि न्यूट्री वैसे हर लोगों को नहीं पसंद और न्यूट्री वैसे हम जनरली बहुत नॉर्मल वे से सिंपल वे से बनाते हैं सो दिस इज गुड मतलब एक वेरिएशन आ जाता है खाने में और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है ठीक है तो ट्राई जरूर करना और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों के साथ बेल आइकन सब्सक्राइब हाँ और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में संडे का तब तक आप सब अपना ध्यान रखें तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और जो लोग नए हो मेरे चैनल पे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और गाइस प्लीज ये भी बताना मुझे कि आप लोग चाहते हो कि नहीं कि मैं एक एडिशनल रेसिपी चैनल बनाऊं क्योंकि इतने सारे वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए बट अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक एडिशनल न्यू चैनल स्टार्ट करूंगी फूड रेसिपी का तो प्लीज बताना अगर आप लोग चाहते हो तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगी सो थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टेक केयर एंड सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब